हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज मैं जा रहा हूँ एमबीएस मॉल, क्योंकि मेरे को घुमा के लाना है दो बंदों को। दो नहीं, तीन चार बंदे हैं, उनको घुमा के लाना है। बंदा नहीं है, एक तो ये पागल है और एक ये पागल है, एक वो खड़ी चलेगी ना। चल फिर, रेडी हो जा। मैं लेट हो रहा हूँ, रेडी हो भाई। अभी 2:30 बज गए, मेरे को कहीं भी जाना है, मैं तुम्हें फिर रोड पर छोड़ूंगा। एक ये भी जा रही है, तू भी चलेगा ना? तो भाई हम जा रहे हैं एमबीएस। कुछ खाएगा पिएगा वहाँ, कुछ लेगा या घूमने जा रहा बस? बोल, बोलेगा नहीं, घूमेगा। तो भाई ये थोड़ा है क्या, थोड़ा साई है, ये थोड़ा शर्मिला है, शर्मिला टाइप है। तो हम निकल रहे हैं अपनी गाड़ी वहाँ हो रही। ये हमारी गाड़ी रेडी है, मैंने इसको साफ कर दिया था, और इसमें शायद गेहूँ है, इसको भी चक्की पे घेर देंगे। चलो अब करता हूँ मैं गाड़ी स्टार्ट और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तू ऐसे चलेगी? चल ठीक है, ऐसे जान चाहते, हाय कर दे बस। इतने ज्यादा हाय क्यों कर रही है? ओए गरम नहीं लग रही तेरे को? चलो भाई निकलता हूँ मैं, अब मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और चलते हैं, निकलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, मौसम कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है ना। अरे दिखा, शक्ल दिखा अपनी, इसमें ये पागल आगे बैठ गया है, दिख ही नहीं रहा पूरा। चल चलते हैं ना। लो जय बोलो, जय माता दी। अब स्टार्ट हो गया। सो भाई नवरात्रे तो अब खत्म हो गए हैं, है ना? और आज है एकादशी। भाई लोग हम आ गए हैं सीएनजी पंप पे, अब सीएनजी भरवाएंगे फिर निकलेंगे एमबीएस। यहाँ से करीब 10-15 मिनट का रास्ता है हमारे पास, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये भरवाएंगे यहाँ से क्योंकि हमारी सीएनजी खत्म, अभी पेट्रोल पे चल रही है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, गर्मी की हमारी हालत ख़राब हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो मौसम आ रहा ठंडी सी लग रही थी, और फिर से गर्मी लगने लग गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई। हेलो, हमारा आ गया नंबर सीएनजी का, अभी भरना स्टार्ट हो गया। तो कितने गया थी भाई? 2:00 बजे एम्बियंस और हम जा रहे हैं अंदर बेसमेंट में पार्क करने गाड़ी। गाइस मैंने कर दिया अपनी गाड़ी पार्क और हम जा रहे हैं, सारे सारे एम्बियंस जा रहे हैं घूमने। अरे लिफ्ट कहाँ है? लिफ्ट शायद ये तो होगी, आ इधर भाई साहब। लिफ्ट क्यों गई? अच्छा यहाँ है, यहाँ है, इधर लिफ्ट। हम आ गए गाइस यहाँ पे एम्बियंस में, और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है,
सिर्फ घूमना ही है। ओ क्या है, इसमें झूल रहा है, इसमें झूलेगा, पैसे ना है मेरे धर है भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, और ये दोनों कह रहे कि झूलना है, हमारे पास पैसे नहीं है भाई, गरीब आदमी हम। पहुंच गए सेकंड फ्लोर पे और ले तो कुछ नहीं रहे, बस घूम रहे हैं। बताओ आपने क्या खरीदा? अरे कुछ नहीं। खरीद भी नहीं सकते कुछ है ना एनिमल, तो कुछ लेगी? पैसे दो। तू तो कह रही मैं झूला झूलूंगी बस। ये वाली ड्रेस लेगी? ये वाली क्या पैसे तो नहीं ले? तेरे पापा को नहीं बोला तूने पैसे के लिए? पापा से बोल, पापा से बोल, जब आनंद तुझे क्या चाहिए? कौन से वाले? नहीं नहीं बंदूक नहीं मिलती, बंदूक से वो पुलिस पकड़ लेती है। चल ये देख गुलदस्ते ले ले, गुलदस्ते ले ले, फ्लावर लेगी? दिला रहे हो ये बता, पैसे ही नहीं कहां से दिला दे मैं भाई, पैसा वाला बनने दे, मैं ब्लॉगर अभी छोटा ब्लॉगर हूँ मैं अभी, मेरे को बड़ा होने दे, बड़ा पहले पैसे कमाने दे। क्या तो बोल इनको कि भाई सपोर्ट करो, तो गाय सपोर्ट करो चाचू को कि मेरे को दिलवाए ये चीजें, बस बोल 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 ना, क्या बोलूं भाई, गाइस गाइस चाचू को सपोर्ट करो, चाचू को सपोर्ट करो ताकि वो मुझे कुछ दिला सके। हां बढ़िया-बढ़िया चीजें दिला दी, बोल बड़े वाली चीज दिला दे, बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे कपड़े दिला दे, ऐसे वाले बोल, ऐसे कपड़े दिला। हां ये अरे भाई मस्त लग रही है ना ये वाली ड्रेस, हो गया डे कैसे बैठेगा आनंद, बैठेगा इसमें पूछू कितने रुपए के, कहाँ गया? अरे घोड़े का कितने का भाई, कितने का डे? 200 की बैठेगी, चल बाद में बैठेंगे, चलो अभी नहीं, इस रेल में बैठ जा भाई, इसमें बैठो रेल में, रेल में बैठेगी, रेल में इसमें नहीं बैठना, 200 है तेरे पास, वो 200 ले रहा है, हाँ 200 लाइए, 100 लाइए, तू 100 लाइए, मेरे पास नहीं है 100 रुपीज़ कुछ भी, अब मेरे पास टाइम पता 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में घर, 15 मिनट लगे, 15 मिनट में घर जाना हमें, चल चल एक बार पूछते हैं कितने के है भैया, कितने हैं इसकी टिकट? 200 पर पर्सन, बच्चों को भी इतनी है सेम, बच्चे का है, बच्चे का, बच्चे का 200 रुपये, अच्छा बच्चों का 200 है, और बड़ों का? एक बच्चे के साथ मेरे कोई बैठ सकता है, अच्छा चलो फिर भाई साहब इनकी फोटोग्राफी खत्म नहीं हो रही है, पता नहीं कितनी देर से फोटो खींचे जा रहे हैं, हाँ फोटोग्राफी होगी पूरी, अभी और खींचेगी, अरे कैसी पागल है, फोटो नहीं जा रही, चल आगे रेल, रेल में बैठेगा, चुक 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 चुक, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, चुक 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 चुक, रेल गाड़ी बैठेगा, इसमें बैठाएंगे भाई, बाद में बैठाएंगे, अभी पैसे नहीं लाए ना, गरीब आदमी, पता तेरे को कैसा लगा यहाँ घूम के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खरीदा था कुछ नहीं, गरीब आदमी, आ जा, तेरे को कैसा लगा यहाँ के? बेकार लगा, क्यों बेकार लगा? कुछ क्या बोल रही? कुछ दिला तो है नहीं इसी, तू ले ले फिर, मेरा हाथ छोड़, आप पैसे दे दो मैं ले लूंगी बस, मेरे पास पैसे कहाँ है तो जेब भर के रखती, तेरा चाचू गरीब है, मेरा चाचू अमीर है, तेरे चाचू के पास एक भी रुपया नहीं है, ये आनंद के पास पैसा है ना, चलो लिफ्ट पकड़ो, लिफ्ट वापस, लिफ्ट पकड़ो, सो गाइस हम निकल रहे हैं वापस घर, आज थोड़े जल्दी में मुझे कुछ काम आ गया तो निकलेंगे, वरना रुकते काफी टाइम,
चलो बटन बटन प्रेस कर, बटन प्रेस कर, हाँ दबा नीचे वाला, ठीक है। कभी वापस आएंगे सोमवार या संडे जब घूम लियो, वरना अगर सोमवार या संडे बोला मैंने पागल, संडे रिकॉर्ड है, हो रही है रिकॉर्ड सुन लियो, ठीक है ना, सोमवार या संडे बोला था, ठीक है संडे आएंगे। शायद हम आगे वापस पार्किंग में, हो रही हमारी गाड़ी, बहुत ना इंसाफी है। गाइस हमने कर दिया इनको यहीं पे ड्रॉप, चलो बाय, मिलता हूँ मैं आपको शाम को, चलो बाय आनंद। सो दोस्तों यहाँ बन रहा है रोड, ये है समालका से NH-48 के पास जाने का, तो यहाँ पूरे देखो धूल ही धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल, पता नहीं कब बनेगा भाई, सार रोड बन रहे हैं, गाड़ी के सस्पेंशन सब बोल जाते हैं भाई, गाड़ी साफ करो, यहाँ आके वापस धूल में मिट्टी में कर दो। सो गाइस दिल्ली में आ गई फिर से आज बारिश, और बहुत खतरनाक बारिश आई है, देखो मैं हूँ NH-48 पे और मेरे सामने कुछ दिख नहीं रहा है, पता नहीं बहुत ज्यादा भाप जम गई इस गाड़ी के शीशे पे, ये देखो। सो भाई चल रहे हैं आराम आराम से, 10-15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, बहुत खतरनाक बारिश है, मतलब तेज, काफी तेज बारिश है, पीछे कुछ दिख तो रहा नहीं है, पर थोड़ा आराम आराम से चलाते हैं। अरे भाप इतनी क्यों जमती है, एक बार अगर आपको पता हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, बता देना कि भाप कैसे सही होती है, इसी से भी जो भाप जम जाती है वो सही कैसे होती है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। पानी भरा हुआ बहुत ज्यादा रोड पे, साइड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे, ये NH-48 और हम ले लिया एग्जिट, यहाँ रजोगरी है और हम रजोगरी से जा रहे हैं घर के साइड, खूब पानी भर गया भाई इधर। सो दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश, हाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और पूरे रोड पे पानी भर चुका है, मैं हूँ अपने घर से करीब 10 मिनट के रास्ते से, मतलब 10 मिनट का रास्ता है मैं यहाँ से अपने घर का,
पानी भर चुका बहुत ज़्यादा। और हमारा शीशा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हमारा शीशा कैसे साफ़ होएगा, ये कमेंट में बता दीजिए मुझे साफ़ कैसे होता है बारिश के टाइम में शीशा। जैसे ओस, जैसे सर्दी में भी ओस जम जाती ना शीशे पे, फिर साफ़ नहीं होता। एक बार आप बता देना कैसे साफ़ होएगा ये, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देना भाई। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, देखो दिख रहे सामने कुछ दिख नहीं रहा, दिखाऊंगा क्या मैं। ये एक तरह का डाइवर्जन है, ये था मेन रोड और वो रोड बन रहा है, इसकी वजह से डाइवर्जन बना रखा था वो भाई। सो गाइस चलते हैं, और ये प्लेन जा रहा प्लेन भी दिखा दिया आपको। गाइस देखो यहाँ का हाल, ओए भाई ये क्या कर रहा है गाड़ी वाला, यहाँ का हाल देखो कितना पानी भरा हुआ है। ये सब इसकी वजह से हो रहा है, ये रोड बन रहा ना, ये इसकी वजह से सारा पानी भरा हुआ देखो। और ये गाड़ी वाला पता नहीं क्या उधम मचा रहा, देखो उधम मचा रहा बिल्कुल, जब से उधम मचाया जा रहा है देखो पानी। अरे मत मचाओ यार उधम भाई, रे ये नहीं मानेंगे हम तो निकलते हैं यहाँ से। आज हम पहुँच गए हैं घर और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने वाले ऑलमोस्ट, और बारिश हुई बहुत तगड़ी, हमने कर दी गाड़ी खड़ी। अगर ये आपको लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो मैंने पूछा वो कमेंट में आप बता देना कि हाँ ऐसे होता है बाप जो है ऐसे हटती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।